अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शुमाइला शफकत। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं आज बना रही हूँ चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बाउल लेके चिकन मैरिनेट कर लूँगी। चिकन मैंने धो के रख लिया, क्यूब्स की शक्ल में से काट लिया। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसे मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इसे मैं रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। जितनी देर चिकन मैरिनेट हो रहा है उतनी देर मैं इसे एग फ्राइड राइस बना लूंगी। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी एक बाउल में। थोड़ा सा पानी मैंने डाला, इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 चुटकी के बराबर जर्दा कलर जो होता है वो, और इसे मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं 3 एग तोड़ के डाल दूंगी। तीन एग मैंने तोड़ लिए, अब इसे अच्छी तरह से मैं फेंट लूंगी। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लें और कलर सही मिक्स हो जाए इसमें। इसमें कलर मैंने इसलिए डाला है कि राइस में बहुत अच्छा लगता है, खिला खिला सा इसका कलर एग का अलग से नजर आता है। फेंट लिए, पैन का चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन 4 टेबल स्पून। ये गर्म हो जाए फिर मैं इसमें एग डालूंगी। ऑयल तकरीबन गर्म हो गया, अब इसमें एग्स जो मैंने फेंट के रखे थे वो डाल दूंगी और इसका चम्मच तेज से चलाती जाऊंगी। एग्स का कलर बहुत प्यारा लग रहा है, ये राइस में बहुत अच्छे लगता है इसका कलर। कलर इसमें डालने से बहुत प्यारा इसका कलर आता है। इसे फुल चूल्हे पे ही पकाना है हमने। एग की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गया। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई गाजर डालूंगी तकरीबन 1/2 कप। मीडियम साइज की एक गाजर मैंने ली थी, वो बारीक बारीक काट के चॉप कर ली मैंने। इसमें डालूंगी 1 छोटी सी शिमला मिर्च काट के मैंने रखी थी वो डालूंगी। फुल चूल्हा ही रखना है हमने, इसे फुल चूल्हे पे पकाना है, आंच इसकी तेज ही रखनी है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून डालूंगी चाइनीज नमक, 1 टीस्पून डालूंगी नमक, 1/2 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। इसमें मैं डालूंगी काली मिर्ची पीसी हुई 1 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, भून लूंगी। वेजिटेबल्स हमारी गलनी नहीं चाहिए, ये ऐसे ही रहनी चाहिए थोड़ी सख्त।
अब इसमें डालूंगी मैं राइस, बॉईल करके मैंने रखे 2 कप, वो इसमें डाल के फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। राइस मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसमें सारे। अब एंड पे मैं डालूंगी इसमें सब कटी हुई प्याज, प्याज का जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है वो डालना है, आगे से नहीं डालनी प्याज में। अभी इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है अभी से। इसे फुल चूल्हे पे ही आप पकाएं, हल्का चूल्हा ना करें। हमारे रेडी हैं, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और देखिए एक में जो मैंने कलर डाला था उसका बहुत प्यारा कलर लग रहा है इस पे, येलो ग्रीन येलो ऑरेंज। मैं आपको चिकन एग फ्राइड भी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं, वो अलग से बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगी। ये रेडी हो गया, मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया, अब चिकन की तरफ मैं चलती हूँ। चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा था, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। अब मैं एक डिश में डालूंगी, मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर, सही तरह से इसे फैला दूंगी। और चिकन का पीस इसमें डालती जाऊंगी जो मैरिनेट होने के लिए मैंने रखे हुए थे। इसे अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर कोट करके एक प्लेट में निकाल लूंगी मैं। इसको कोट करके इससे कॉर्नफ्लावर से मैं एक प्लेट में निकालती जाऊंगी चिकन पीस। अच्छी तरह से इस पर लग जाए तो इसे निकाल दूंगी साइड पे। ऐसे मैं निकालती जाऊंगी सारे पीस, इसी तरह से कर लूंगी। चिकन पीस पे मैंने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर से इस तरह से कोट कर लिया है, इसे अब मैं फ्राई करूंगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया चूल्हे पे, ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। ऑयल तकरीबन गर्म हो गया, अब ये पीस मैं इसमें फ्राई कर लूंगी। थोड़ा चूल्हा हल्का कर दूंगी, इसे मीडियम आंच पे मैं पकाऊंगी। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में, इसी में ये अच्छी तरह से गल भी जाएगा अंदर तक चिकन। तेज आंच पे नहीं से पकाना, मीडियम आंच पे पकाना है। मीडियम आंच मैंने कर दिया, अब इसे मैं पड़ा रहने दूंगी 10-1 मिनट इसे लगेंगे। इसी साइड भी चेंज कर दूंगी, अच्छी तरह फ्राई हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे तैयार करना है। चिकन फ्राई हो रहा है, इसकी साइड अब मैं चेंज कर दूंगी, इनकी साइड में चेंज करती जाऊंगी। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए फिर मैं इसे बाउल में निकाल लूंगी और सारा चिकन मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। चिकन बहुत अच्छा फ्राई हो गया और तकरीबन ये अंदर तक सही तरह से गल गया। आधा किलो मैंने चिकन लिया था, इस पर मैंने लगाया था 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून नमक। इसे मैरिनेट करके फिर मैंने इस पर कॉर्नफ्लावर कोट करके फ्राई कर लिया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। चिकन फ्राई हो गया, मैंने चिकन निकाल के रख लिया और पैन में मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, तकरीबन 6 टेबल स्पून होगा ये। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन का पेस्ट, अदरक नहीं इसमें डाला, सिर्फ लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून है ये, और इसे थोड़ा फ्राई कर लूंगी। फुल चूल्हा ही हमने रखना है, इसे फुल चूल्हे पे पकाएंगे, हल्का नहीं करना। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज, एक प्याज लेके मैंने मीडियम साइज की ऐसे क्यूब्स की शेप में काट के रख लिया हुआ है, ये डालूंगी। और साथ में डालूंगी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी मैंने 2 ली थी, इसे भी क्यूब्स की शेप में काट लिया है। इन्हें हल्का सा मैं भून लूंगी,
गलाना नहीं, इन्हें ऐसे ही रखना है साबुत। इसे फुल आंच पे मैं थोड़ा चम्मच चला के भून लूंगी। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें मैं हल्का सा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल देती। इसमें डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून नमक, थोड़ा और डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं चीनी, इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। और तकरीबन आधा कप मैं इसमें डालूँ केचप, टमाटो केचप डाल लूँ। इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते जाएँ फुल चूल्हे पे, चूल्हा हल्का नहीं करना, आँच हल्की होगी तो ये सब्जियाँ गल जाएंगी, जो कि बहुत बुरी लगती है इसमें मंचूरियन में। इन्हें साबुत साबुत ही रखना है। डालूंगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून डालूंगी इसमें मैं चाइनीज नमक, और तकरीबन 1.5 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें काली मिर्च। बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का ये बनेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा पानी में इसमें और डाल दूँगी। इसमें डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून चिली सॉस। अब इसमें मैं साथ ही जो चिकन फ्राई करके रखा था वो डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है और देखने के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाऊँगी, 7 चम्मच चलाती जाऊँगी, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना। बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। इसमें पानी मैंने डाल दिया है, ये देखें अभी इसका बहुत पतला पानी इसका अलग से लग रहा है। इसमें मैं अब डालूँगी कॉर्नफ्लावर मिक्स करके इसे ठीक करने के लिए। थोड़ा हल्का चूल्हा कर दिया मैंने इसका। तीन टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मैं बना लूंगी, जितना जरूरत है वो मैं उतना डालूंगी, इसमें सारा नहीं डालूंगी। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालती जाऊंगी और चेक करती जाऊंगी, जितना थिक चाहिए मुझे ग्रेवी इसकी बन जैसे अच्छी सी उतना डालूंगी, सारा इकट्ठा नहीं डालना इसमें। थोड़ा सा इसमें मैं और डालूंगी कॉर्नफ्लावर, बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना, फिर बाद में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, खाने नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा ये इसकी ग्रेवी बन गई है, थिक हो गई है, और इसमें प्याज और शिमला मिर्च भी बिल्कुल साबुत हैं, गली नहीं है। इसे इसी तरह हमने रखना है, इसे फुल चूल्हे पे ही पकाना है, फुल आंच पे पकेगा तो ये सही इसी तरह रहेगा। अगर हल्का कर देंगे तो सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देंगी और नरम हो जाएंगी बिल्कुल, वो इसमें अच्छी नहीं लगती। बस ये रेडी है, अब इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और आपको सर्व करने का इसका तरीका बताऊंगी। इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया ऊपर से, इसे मैं प्लेट में निकालूंगी, प्लेट इसके ऊपर उल्टी रखे इसे
निकाल लूँगी इस तरह। इसका सर्व करने का सही तरीका ये है, अगर आप अलग से इसे सर्व करना चाहते हैं बाउल में और डिश में भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला है दोनों तरह से मैंने आपको दिखा दिया। और इसकी साइड पे मैं डाल दूँगी मंचूरियन इस तरह से। इस तरह से ये सर्व होता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा बना तकरीबन ये। बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही आप बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत मज़े का ये बना है। ये आज की चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस जो कि बहुत ही मज़े की बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो दुआएं अल्लाह पाक आपको खुश रखें और आज दिन के हिसाब से महफूज रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।